आजकल कहने चल रहे थे उठाकर। तो भाई अभी तुम्हारे भाई का टाइम हो रहा है पेरकॉट मील खाने का, क्योंकि भाई आज है आर्म्स डे। भाई मेरा फेवरेट है, आप बताइए कितना तगड़ा आर्म्स वर्कआउट करता हूँ मैं। ठीक है उसे देख लो। भाई खर्चे पड़ गए हैं। आज भाई ऐसे करेंगे, 1 इंच बम करने की कोशिश करेंगे पूरा। पहले देखेंगे पहले कितना है जिम जाने से, फिर जिम करने के बाद जिम में ही देख लेंगे जिम में कि कितने का साइज हो गया वो। ये अभी ले रहा हूँ पेरकॉट मील, उसे भी कहे पेरकॉट मत लिया करो। भाई मेरी बहुत बुरी आदत पड़ गई पेरकॉट लेने की, एक तो पैसे खराब, दूसरा भाई सही ना है हार्ट के लिए वो एकदम। देखो अगर पेरकॉट लेते ही एकदम हार्ट बीट तेज कर देता हूँ एकदम, पागल होते जिम में जाते फिर 1 घंटे बाद फिर खुश, क्या फायदा भाई। इससे बढ़िया भाई आराम आराम चलो और देर तक चलो, जितना आराम चलोगे भाई उतने ज्यादा टाइम तक चल पाओगे। ठीक है अभी देख लो क्या खाऊं, आलू और दही। ठीक है और दिखाता हूँ अभी आलू छील के दही में डाल के, दही में डाल दूंगा भाई थोड़ा जीरा पिसा हुआ, नमक और थोड़ी सी मिर्च। ठीक है कि टेस्ट आए खाने में और बढ़िया, और पंप तो आएगा भाई तगड़ा अगर ये खा के जाओगे जिम ना, किसी पेल कॉर्ड की जरूरत भाई, और सस्ते की सस्ते और एनर्जी के एनर्जी। देख लो भाई हो गया है पेरकोट मील रेडी, डाल दिया इसमें जीरा पिसा हुआ इतना, ठीक है, और ये नमक सफेद नमक गिनो, सफेद गिर लेना, सफेद ही गिर लो भाई काला नमक है नहीं अभी। ठीक है डाल दिया इतना नमक, और ये आ गई इसमें इतनी थोड़ी बहुत मिर्च टेस्ट के लिए। ठीक है ये नहीं भाई हमारे पेरकोट मील देख लो अच्छे से, और इसे खाऊंगा और जा रहा हूँ नहाने, फिर जाऊंगा आधे घंटे बाद जिम। इसे खाते ही उतना टाइम हो जाएगा कि हाँ नहा नहा के निकलते ही जिम जाना पड़ जाएगा, इतना टाइम हो जाएगा। ठीक है फिर करेंगे अपना आर्म्स वर्कआउट बहुत तगड़ा वाला, जो हमारा बाइसेप को ग्रो करेगा। पहले नाप के दिखाऊंगा कितना है, फिर जिम के बाद दिखाएंगे कितना है। 1 इंच बम करने की पूरी कोशिश रहेगी जितना भी होगा। चलो अब मैं खा रहा हूँ पेरकॉट मील, फिर जाऊंगा नहाने, फिर जाऊंगा सीधा जिम, फिर मिलते हैं जिम में आर्म्स वर्कआउट के साथ। और ऐसा ऐसा आर्म्स वर्कआउट नहीं है अगर करोगे तो भाई आर्म साइज बढ़ेगा, हमारे भाई गारंटी है 100%, जैसे बताऊंगा वैसे करने का एक बार। ठीक है चलो भाई मिलते हैं आप सीधा जिम में। तो भाई हो अभी निकल, अब जा रहा हूँ मैं जिम के लिए, और मैं ले रहा हूँ पेरकॉट और बनाऊंगा कॉफी। कहाँ है कॉफी? कॉफी कॉफी कर दिया नहीं। तो भैया हो गया जिम का टाइम, जा रहे हैं जिम। ये रही 1 2 रुपए वाला पाउच कॉफी, ठीक है ना मान रहे, देख लो कभी कहो कुछ और पी रहा। चलो भाई मिलते हैं जिम में आर्म्स वर्कआउट के साथ बहुत तगड़ी। तो भाइयों ये रही मेरी आर्म्स वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज, सिंगल आर्म पिचर। ठीक है अगर आपके पास सिंगल मतलब पिचर नहीं है तो डंबल से भी कर सकते हो, सेम इफेक्ट आएगा। ठीक है कैसे लगानी है, एक साइड लगाना है सिंगल आर्म पिचर का, और फिर इसे खत्म होती है बिना रेस्ट लिए एक साइड लगाना है ट्राइसेप पुश डाउन का, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट लेके आपका सेकेंड सेट शुरू होगा, फिर सेकेंड सेट में सिंगल आर्म ये और ट्राइसेप पुश डाउन, ऐसे 4 सेट लगाने हैं। सिंगल आर्म पुश मतलब सिंगल आर्म इसके लगाने हैं पिचर के, लगाने हैं आपको 10 से 12 रैप एक हाथ से, दोनों हाथों से ऐसे करने हैं, और ट्राइसेप पुश डाउन के भी लगाने हैं 10 से 12 रैप वेट बढ़ाते हुए, जिससे आपके पास 10 से 12 रैप ही आए। मिलते हैं सेकंड एक्सरसाइज। Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you plead for its greatness, relentless you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. I will pick yourself up, cause legends never.
आर्म्स की सेकंड एक्सरसाइज बैठ के लगानी है आपको पुली, देख लो कैसे, कंधे ढीले छोड़ के और हाथ थोड़े से आगे करके और हाथ हाथों को मिला के रखना है चेस्ट से, देख लो। इसके लगाने आपको 4 सेट 10 से 12 रैप वेट बढ़ाते हुए, पर भाई कंधे ढीले छोड़ देने, कंधे को इन्वॉल्व नहीं करना इसमें, ठीक है। और इसके साथ लगानी है आपको 1 सेट इसका करके, और एकदम ही बिना रेस्ट लिए करना है सिंगल आर्म पुश डाउन, ठीक है। फिर जब 1 सेट कंप्लीट हो जाए रेस्ट ले लो भाई 20 से 30 सेकंड का, फिर सेकंड सेट स्टार्ट करो ऐसी, 1 सेट ये और 1 सेट सिंगल आर्म पुश डाउन, ठीक है। मिलते हैं अब थर्ड एक्सरसाइज में। Scars collected all their life. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to touch a dream. I will pick yourself up, 'cause legends never. तो ये भाई हमारी थर्ड एक्सरसाइज आर्म्स की। इसमें क्या करना है, पहले करने हैं आपको ऑल्टरनेटिव डंबल, जैसे ऑल्टरनेटिव डंबल खत्म हो एकदम लगाने हैं सिंगल आर्म ट्राइसेप के, ठीक है। सिंगल आर्म नहीं लगाते डंबल, वो 4 सेट लगाने हैं दोनों के 10 से 12 रैप, वेट हैवी लेके चलना है दोनों में ही, कि भाई 22 की पीक पर आना चाहिए बिल्कुल, ऊपर आके डंबल कर्ल कर लेना थोड़ा सा, और ट्राइसेप को पूरा अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए नीचे आके और ऊपर आके पूरा टाइट, ठीक है। 4 सेट लगाने हैं 12 से 15 रैप दोनों में। 1 सेट कंप्लीट होगा जब ये इसके 12 से 15 रैप लगा लोगे और ट्राइसेप्स के 12 से 15 रैप, फिर जब 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेना फिर लगाना ट्राइसेप। मिलते हैं भाई फोर्थ एक्सरसाइज में। भाई हमारी फोर्थ और लास्ट एक्सरसाइज आर्म्स की ऑल्टरनेटिव हैमर। इसमें भाई और हैवी वेट लेना है डंबल से, जो हम डंबल कर लेते हैं ना उससे भी हैवी वेट लेना है इसमें, और फिर अच्छे से परफॉर्म करनी है लूल, ठीक है। 4 सेट लगाने हैं 12 से 15 रैप, इतने लगाना कि 12 से 15 रैप यहाँ इतना वेट लेना, ठीक है। इसके साथ करना है तुम्हें पैरेलल बार डिप्स, ठीक है। पहले ये करके एकदम बिना रेस्ट लिए पैरेलल बार डिप, और फिर 1 सेट आपको कंप्लीट, फिर 20 से 30 सेकंड का रेस्ट लेके फिर दूसरे स्टार्ट करो, ठीक है। मिलते हैं आपको घर। A message for eternity for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Arrangement. You don't know shit.
रिकॉर्ड हुआ कंप्लीट, और भाई आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया रिकॉर्ड करने में, मतलब बिल्कुल ही पंप नहीं आया भाई। इसमें जितने के थे ना 16 के, बस 16.1 या 2 के हो गए बस, ये तो भाई 16.5 के तो होने चाहिए थे। आप ही बताओ भाई इतना बढ़िया वर्कआउट कराया आपने, रिकॉर्ड देखा होगा भाई पंप क्यों नहीं आया। ये जो मैंने सेंड पहले ना इतनी टाइट भाई, इतनी टाइट मतलब बगल में भी टाइट आ रही है और छाते में भी टाइट आ रही है कि एक्सरसाइज ना हुई, पूरा बीचा बीचा सा लग रहा था। और इतनी मोटे कपड़े की है, बहुत साल हो गए इसमें, तो 2-3 साल हो गए इसे रखे हुए, और मैंने पहनी थी ये 1-2 बार अभी, और महंगी भी है भाई ये, इसलिए मैंने सोचा आज पहन लूँ बहुत दिनों बाद। ठीक है, पहला तो भाई मतलब आज वर्कआउट बेकार हुआ, पर ये सीख मिल गई भाई कि थोड़े लूज़ कपड़े पहनने चाहिए जिम में, थोड़े लूज़ पर ये नहीं देखो इतनी टाइट है। ठीक है, इसकी वजह से भाई वर्कआउट भी आज बेकार हो गया। आर्म्स का जो मेरा फेवरेट है कि हाँ यही करने हैं आर्म्स, बहुत बढ़िया करने हैं, मतलब ये ऐसे वैसे है, मतलब आर्म्स वर्कआउट बहुत बढ़िया करता हूँ हर बार, आपने देखा होगा आर्म्स मेरे फेवरेट है। पर जब भी आज भाई देख लो तुम्हें लग रहा होगा वहाँ पंप आया थोड़ा बहुत, देख लो मैं एक चीज़ बताता हूँ आज आपको, अगर आपकी उंगली अच्छी हो रही है ना आराम से आर्म्स वर्कआउट करने के बाद, तो समझ लो पंप नहीं आया, और अगर थोड़ी इतनी रुक रही है इतनी, तो भाई बहुत ही बढ़िया पंप आया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छी हो रही है ना, देखो उल्टे हाथ की दिखाता हूँ, उल्टे हाथ में आया मेरे, देख लो उल्टे हाथ की छूनी थी है ना, तो आप भी आज चेक कर सकते हो। ठीक है और भाई हो, और अब मैं पीऊँगा वर्किंग शेक भाई, आज तो बिल्कुल मूड ख़राब हो गया, पंप नहीं आया। ठीक है, मैं पीऊँगा वर्किंग शेक, और वर्कआउट भाई बहुत ही बढ़िया है, थोड़े लूज कपड़े पहन करना, बहुत ही बढ़िया मजा आएगा वर्कआउट करने में। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो चले तो लाइक कर देना, नेक्स्ट वीडियो के लिए।